If you enjoyed this video, if you like this video, if you've seen this video, if you enjoyed watching this video, if you like this video, please to like, comment, share, subscribe to Drama Central. अगर तुम अपने मजनू की मोहब्बत की गहराई जानना चाहती हो ना, तो अभी और इसी वक्त इसके साथ चली जाओ, फिर मैं देखती हूँ इसकी मोहब्बत का बुखार तुम्हारे सर पर कितने दिन चढ़ा रहता है। तू मुझे उस लड़के का नंबर और एड्रेस चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं। तो ठीक है, मैं भी सबको जाकर बता देती हूँ कि वो लड़का तुमसे मिलने आया था। नरेश कहाँ गई है? पता नहीं कहाँ गई है, उन्होंने कहा गाड़ी में बैग रख दो तो मैंने रख दिया। बैग साथ लेके गई है? जी जी, सूटकेस था उनके साथ। मम्मी, मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मैं जीशान से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आपकी शर्त मानते हुए इस घर से खाली आ जा रही हूँ। काश आप जीशान को रिजेक्ट ना करती तो मुझे ये कदम ना उठाना पड़ता। बहरहाल अब ये दौलत, जायदाद और सब कुछ आपको मुबारक हो। मैं विश। हसन, तुम्हारी मैं सारा दिन ऑफिस में वेट करती रही, तुम आए नहीं। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, ठीक हूँ मैं। मेरी तबीयत मुझे तो नहीं ठीक लग रही। कल सारी रात तुम सोए नहीं हो ना, और तुम्हारी बेडरूम की लाइट जल रही थी। बेटा ना जाने तुमने क्यों जरा सी बात को दिल का रोग बना लिया है। अच्छा खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी, मैं जर्मनी जा रही हूँ, हुजूरी मीटिंग्स आ गई। कब जा रही हैं आप? आज 5 बजे मेरी फ्लाइट है, और तुमने मुझे एयरपोर्ट लेके जाना है, तुमसे जरूरी बात भी करनी है। लेकिन लेकिन क्या कोई प्रॉब्लम है? सब खैरियत है ना ऐसा? एवरीथिंग इज फाइन। लग तो नहीं रहा। और ये महविश कहाँ? जरूर कोई अपनी फ्रेंड की तरफ होंगी, राइट? तुम्हारे हाथ में क्या है बताओ मुझे, ऐसा दो मुझे। मैं जानती हूँ कहाँ है। अमीर, मेरी बात सुने। फैक्ट्री? मामूजान, मैं दरअसल आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपसे आपके पोते के लिए बहुत महंगा तोहफा मांगा था, जो आप उसे नहीं दे सकते। फौजिया, तब तुम्हें ये बात कहने से पहले जरा सोचना चाहिए था। हमारे पास रह क्या गया फैक्ट्री के अलावा? सब कुछ तो सब कुछ क्या मेरे और मेरे बेटे की वजह से बर्बाद हुआ है? आज अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी की वजह से। सब कुछ खा गई वो। अच्छा भला सब कुछ चल रहा था ना, ही उस रात को वो उस लड़के के साथ भागती, ना ही मेरे बेटे को अपने दादा के खाली हाथों की तरफ इतनी हसरत से देखना पड़ता। खालिया, मेरा जो कुछ है मेरे पोते का है, और मुझे शहरों से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। फैक्ट्री में उसके नाम कर रहा हूँ। आमिर, फिर वकील को बुलाओ, कागजात तैयार करवाओ, और मैं फैक्ट्री उसके नाम करता हूँ, दस्तखत करता हूँ। भैया आप क्या कह रहे हैं? अब वो ये बिरयानी खाए, बिरयानी दो अबू को। महविश, महविश कहाँ हो तुम? बाहर निकलो महविश।
महविश तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैम आप शोर क्यों मचा रही हैं? महविश यहाँ पर नहीं। अभी महविश यहाँ फिर नहीं, अपनी किसी फ्रेंड की तरफ होगी। बताओ कहाँ है महविश, बोलो। तुमने उसको किडनैप किया, तुमने उसके साथ क्या किया है, बोलो। मैम मैंने कहा ना महविश यहाँ नहीं है, और मैं उसे क्यों किडनैप करूंगा, मैं तो उसे मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी आंखों में झूठ नहीं झूठ सकते, इसका बैग यहाँ पड़ा हुआ है, तुम अभी भी मुकरोगे, झूठ बोलोगे? महविश का बैग है। पूछो एसेंस कहाँ है महविश, वो तो इतनी मासूम है, इसने अपनी मक्कार झूठी बातों में ना उसको फांस लिया। पूछो एसेंस से। शराफत से बताओ कहाँ है महविश, कहाँ छुपाया तुमने उसे? एहसन मैंने आपसे कहा ना कि महविश यहाँ पर आई थी, लेकिन मैंने उसको वापस भेज दिया। इंसान एहसन साहब नहीं बोलोगे, तुम एहसन बोलोगे, तुम्हारी औकात क्या है? आपकी बेटी इसी दो टके के इंसान के पास खुद चल के आई थी। तो फिर बताओ कहाँ है वो, जानना चाहते हैं तुम? हमने शादी कर ली, शादी मुबारक। तो कोई अपनी सौतेली औलाद के साथ नहीं करता जो मेरे सगे बाप ने मेरे साथ किया। और वो आमिर भाई, उन्होंने कितनी होशियारी और चलाकी के साथ सब कुछ हथिया लिया। मेरे अपने मेरे साथ ऐसा करेंगे, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। इमरान आपसे एक बात कहूं? समरा प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, अभी मुझे पहले ही बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। आपको तो पहले ही इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए था जब ये सब कुछ कश्यप के साथ हो रहा था इस घर में। तुम इस वक्त ये बोलोगी मुझे, नमक छिड़कोगी मेरे जख्मों पर? अगर सच सुनना इतना आसान नहीं है ना, तो सच बोलना भी इतना आसान नहीं है। आपके वाली साहब जिसके कहने पे ये सब कर रहे हैं ना, और आपको जायदाद से आग कर दिया और सारी जायदाद एक ही बेटे के नाम पे कर दी है, ये तो हैसियत है आपकी इस घर में? समरा खुदा के लिए दो सेकंड के लिए चुप हो जाओ, सिक ऑफ दिस। आपके लिए सब सुनना नागवार है, लेकिन मेरे लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन है। कहने की कोशिश क्या कर रही हो, साफ साफ बोलो। आपकी ये जो एक फैक्ट्री है ना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मुझे आपकी जायदाद पे कोई इंटरेस्ट है। लेकिन आपकी जो इंसल्ट की है ना आपके घर वालों ने, वो मेरी भी इंसल्ट है, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही कभी माफ करूंगी, समझे आप? मुझे नीचा दिखा रही थी ना तुम, अब बताओ बाजी किसके हाथ? एक मामूली सी फैक्ट्री जो ऑलरेडी लॉस में जा रही है, तुम्हारे बेटे के नाम क्या हो गई, तुम्हारे तो पांव जमीन पर नहीं पड़े। तुमने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, तुम किससे फोन पे बात कर रही थी? खुदा गवाह भाई मैं। बस कशफ बस, तो गंदी जबान से अल्लाह का नाम मत लो। एसपी साहब से बात हुई है, 15 मिनट में पहुंच रहे हैं, खुद उगलवा लेंगे कि कहां छुपाया इसने महविश को। यू नो मैं तो सिर्फ एक ही बात सोच रहा हूं सासू, मतलब है मैम, कि बाहर पुलिस आएगी, लोग जमा होंगे, बातें आउट होगी, और फिर एएनएफ टेक्सटाइल कोई मामूली कंपनी तो नहीं है ना, मीडिया वाले आएंगे, बातें और बढ़ेंगी, और उसके बाद हेडलाइन बनेगी कि ज़ीशान वेड्स महविश। ब्लैकमेल करना चाह रहे हो मैं? पुलिस तुमसे खुद उगलवा लेगी, कहां छुपाया तुमने महविश को, समझे तुम? जानी साहब बिहेव। हाँ चलो एक काम करता हूं, अब तो हमारी रिश्तेदारी हो गई है ना, तो बता देता हूं महविश अपने घर पर है, लेकिन अगर पुलिस आई तो फिर मैं वो बैग दिखाऊंगा और फिर मैं बोलूंगा हमने शादी कर ली। ये ब्लैकमेल कर रहा है हमें एहसन, बकवास करता है ये। अरे घर फोन तो कर लें, यू नो
क्या पता मैं भी घर पे ही हूं। अगर ना हुई तो फिर आप पुलिस क्या पूरी फौज की ब्रिगेड बुला लेना। हाँ साबरा, मैं विजय भी घर पर हैं। क्या कह रही है साबरा? चलो हमको अभी और इसी वक्त घर जाना। इसे अकेला छोड़ जाए, इधर पुलिस भी आने वाली है। एहसन तुम अभी मेरे साथ घर चलो, इसके साथ हम बाद में निपटेंगे। कम ऑन लेट्स गो। चलो एहसन लेट्स गो, कम ऑन एहसन। बाय सासुमा। अब तुम मुझे बताओगी कि क्या सही है और क्या गलत है। जी आप नाइंसाफी के बाद नाइंसाफी करते चले जाएंगे तो मैं बोलूं भी ना। अब तुम मुझे इंसाफ करना सिखाओगी? और जो मेरे साथ हुआ, तुम जैसी कम अकल कम इल्म कम शक्ल औरत ब्लैक मेलिंग करके जबरदस्ती मेरे सर पे मुसल्लत कर दी गई जिंदगी भर के लिए, क्या ये बेइंसाफी नहीं थी? तो आप अपनी औलाद को इस नाइंसाफी के जहन्नुम में क्यों झोंक रहे? अच्छा तो अब तुम मुझे नसीहत करोगी, समझाओगी? नहीं जी, मैं आपको क्या समझाऊंगी, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि बल्कि डर रही हूँ आने वाले वक्त से, डरा रही हूँ। तुम डराओगी मुझे? तुम्हारी इतनी हैसियत होगी? देखिए जी, आपके दो बेटे तो आपने एक बेटे के नाम फैक्ट्री करके दोनों भाइयों के दरमियान अदावत की दीवार खड़ी कर दी है। बेटी का तो होना ना होना बराबर ही है, उसके तरके फिर से की क्या बात करूंगी मैं। इस पर इतनी शर्म होगी ना तुम्हें कि जो गुल तुम्हारी बेटी ने खिलाया उसके बाद। देखो इमरान के ससुराल वाले तगड़े लोग हैं, इकलौती बेटी है, लंदन में कारोबार है, पैसा है, जो कुछ भी है बेटी को ही मिलेगा ना। मेरी भांजी फौजिया को क्या मिला? जब मैं उसे ब्याह के लाया था सोचा था शान शौकत से रखूंगा, अलग से एक आलीशान बंगला लेके दूंगा, और सभी कुछ बर्बाद हो गया। और तुम अपने दिल पे हाथ रख के इंसाफ करो, क्या आमिर ने हमेशा हमारा साथ नहीं दिया? इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप अपने दोनों बेटों में फर्क करें, उन दोनों को आपके तरके में से बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। देखो जो फैसला करना था मैं कर चुका हूँ और अब किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करूंगा। अब तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर आराम करते थे। मैं आपसे भाई क्या मुझे इस घर में दो घड़ी के लिए चैन नहीं मिल सकता? हेलो 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 कौन बात कर रहा है? हेलो किससे बात कर रही थी तुम? फोन पर तो कोई भी नहीं था। कश्यप इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुमने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, तुम किससे फोन पर बात कर रही थी? नहीं भाई, मैं तो किसी से फोन पर बात नहीं कर रही थी, कोई भी नहीं था दूसरी तरफ भाई, खुदा गवाह है भाई मैं। बस कशफ बस, गंदी जबान से अल्लाह का नाम मत लो,
किसी से बात नहीं कर रही थी। तुम्हारा तो सच और झूठ का पता ही नहीं चलता। भाई मैं, अच्छा भाई प्लीज, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। मैं जानती हूँ भाई, मैं आपसे जो भी बात करूंगी आपको अच्छी नहीं लगेगी। प्लीज कशफ, साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो, मेरे पास फजूल वक्त नहीं है जाया करने के लिए। मैंने माना भाई, मैं बहुत बुरी, मैंने आप सबका एतबार तोड़ा। इमरान भाई तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, और अबू के फैसले से वो बहुत हर्ट हुए। ओ, तो तुम्हें भी तकलीफ हुई है अब्बा के फैसले से? मैं तो सिर्फ इमरान भाई के लिए कह रही हूँ भाई, इस फैसले से आप दोनों भाइयों के दरमियान मोहब्बत कायम नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लगता है अबू ने फैसला बिल्कुल सही नहीं किया। अब बहुत ही खुदसर और बेशरम लड़की हो तुम कशफ, पहले तो बाप की नाक कटवाई और अब उनके फैसले के खिलाफ वर्जी कर रही हो तुम। कौन क्या डिजर्व करता है इसका फैसला मामूजान कर चुके हैं। अगर किसी को कोई मसला है ना तो जाके मामूजान से बात करें। हिम्मत है तो उनके सामने जाओ ना, वहां जाके ये सब कहो जो यहां कह रहे, तब तुम्हारी हिम्मत की दाद दूंगा। बढ़िया है इमरान भाई के हमदर्द। Enough! मुझे अपने टेंटम्स दिखाने की जरूरत नहीं है। तुमने जो आज हरकत की ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अम्मी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं बात कर लेता। नहीं ऐसा, तुम इससे बात नहीं करोगे, मैं करूंगी इससे बात। दो टके का लड़का, हर इंसान के तो आपने दाम मुकर्रर कर रखे हैं। आपकी नजर में तो इंसान के जज्बात और एहसास की कोई पहचान नहीं। आपकी नजर में तो हर इंसान को पैसों के बदले में खरीदा और बेचा जा सकता है। महवेश, काश आप मेरी माँ ही ना होती, मैं किसी गरीब घर में पैदा हो जाती जहाँ कम से कम मेरी माँ को मेरे जज्बात और एहसास की परवाह तो होती, और मॉम उस वक्त मैं खुद को दुनिया की सबसे अमीर लड़की समझती। महवेश तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें एहसास है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? आपने मेरे लिए सिर्फ वो किया है जो आप चाहती थी, आप पसंद करती थी, वो नहीं जो मैं चाहती हूँ, मुझे पसंद है। ऐसा ऐसा तुम सुन रहे हो इसकी बातें? आप परेशान मत हो, अभी आपने ट्रेवल भी करना है। अम्मी आप इसकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लें, मैं समझा लूंगा, परेशान मत हो। नहीं ऐसा, मुझे कुछ नहीं करना, सब बेकार है, सब कुछ बेईमानी और बेमकसद है। जब मेरी औलाद को मेरी जरूरत नहीं तो फिर मैं क्यों पागल हो रही हूँ? जी हेलो। नहीं जवाब साहब, मैं नहीं जा रही। जवाब साहब, अम्मी एयरपोर्ट के लिए निकल रही हैं, आप बाकी की फाइल्स वहां पे ही भिजवा दें। शुरू हो गए फिर से ड्रामे। ऐसा मैं बहुत उलझी हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप आराम से वापस आ जाए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। भूल गई होंगी उस लड़के को, परेशान मत हो। तुम सच कह रहे हो? 110% सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। मैं आपको जरूर छोड़ने चलता, लेकिन नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। तुम याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? महावेश को अपनी नजरों से एक सेकंड के लिए भी ओझल नहीं होने देना, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है। चल मैं चलती हूँ, लेट हो रही है। थैंक यू मेरी जान, बाय, अल्लाह हाफिज, ध्यान से जाइएगा इंशाल्लाह। इसको कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। व्हाट? इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हें समझ नहीं आई? हाँ जब से मामू जान ने फैक्ट्री मेरे बेटे के नाम की है, तुम्हारे और तुम्हारे मियाँ का ये हाल हुआ हुआ है। ओ प्लीज वाली बात होती तो तुम्हारी शक्ल पे इस तरह 12 नहीं बचे होते, और तुम्हारा वो मियाँ सुबह से कमरे में घुसा बैठे, मुझे नीचा दिखा रही थी ना तुम। अब बताओ बाजी किसके हाथ में? एक मामूली सी फैक्ट्री जो ऑलरेडी लॉस में जा रही है, तुम्हारे बेटे के नाम क्या हो गई, तुम्हारे तो पांव जमीन पर नहीं पड़े। लिसन, ऐसी कई फैक्ट्रियां मैं यूं खड़े खड़े खरीद सकती हूँ, समझी? अच्छा तो फिर मैडम आप इस कुंभे में क्यों बैठी है? जाए अपने शायन-शान किसी महल में जाके, ताकि तुम्हारे लिए मैदान साफ हो जाए। अभी प्लीज आप बस करो कश्यप,
तुमने तो अपने आप को इतना गिरा लिया इसके सामने, चाहती हो कि हम सब भी इसके कदमों में पड़े रहें? ऐसा नहीं हो सकता। ने अपने नसीब की बात है, किसी को सब कुछ मिल जाता है और जिसे कुछ नहीं मिलता उसे सिर्फ हसद और जलन मिलती। तुम्हारा ये गुरूर ना, ये लड़की तोड़ेगी एक दिन, फिर उसके बाद तुम रोना अपने नसीबों को। बेचारे लोग जिनका किसी चीज पे बस नहीं चलता, बस इसी तरह फिर दूसरों को बद्दुआएं देके डराने की कोशिश करते हैं। कश्यप जी, भाभी मैंने तुमसे कहा था ना, शेरोज के कपड़े गंदे हो गए हैं, उन्हें धोना है। लगता है तुम्हें आजकल बहुत कम सुनाई देने लग गया है ना? नहीं वो भाभी, मैं बस आ रही हूँ कपड़े धोने के लिए। हाँ हाँ जाओ, जाके कपड़े धो और साथ में अपने नसीबों को रोना, क्योंकि इससे ज्यादा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकती। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही? नहीं परेशान नहीं, बात सुनो, ये रख लो। तो ये क्या है अम्मी? तुम्हारे लिए बेटा। क्या है अम्मी इसमें? दिखाते हैं, ये मेरे कुछ जेवर हैं और थोड़ी सी रकम जो मैंने कई साल से बचा के रखी हुई तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी के लिए बेटा। इन्हें संभाल के रखना अपने पास। अम्मी मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, आप ये अपने पास रखिए। नहीं बेटा, मैं नहीं रख सकती ये अपने पास। तुम्हें पता है ना, आमिर और फौजिया ने जो चाल चली है उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। तुम्हारे पापा को समझा समझा के थक गई हूँ। उन्होंने अपनी फैक्ट्री उन लोगों के नाम करके अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, और ये घर जो हमने एक साल के एडवांस रेंट पर लिया है वो भी नहीं रहेगा। अम्मी आप प्लीज ऐसा कुछ ना सोचे, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, आप ऐसा कुछ ना सोचे, ये अपने पास रखिए। हमें क्या होगा बेटा, लेकिन ये तुम अपने पास संभाल के रखो, वरना अगर फौजियों को पता चल गया ना तो ये भी हथिया लेगी वो किसी ना किसी बहाने से। नहीं, आपके पास रहे या मेरे पास, बात तो एक ही है, और अगर फौजिया भाभी को ये चाहिए होगा तो जितना आसानी से वो आपसे निकलवा सकती उससे कहीं ज्यादा आसानी से वो मुझसे निकलवा लेगी। नहीं इसका कोई फायदा नहीं, आप अपने पास। नहीं बेटा, मैं ये यहाँ अलमारी में रख रही हूँ, ये देखो, इस कमरे में कोई भी नहीं आ रहा। देखो मैंने ढक दिया अच्छी तरह से, और फौजिया तो कभी भटकती भी नहीं है यहाँ पर, तो बस बेटा तुम आते जाते इसको चेक कर दिए, ठीक है? तो मुझे घबराहट सी हो रही है। क्यों? नहीं घबराहट की जरूरत नहीं। सॉरी भाई, मुझे नहीं जाना। आई विश मुझे भी इनकार करोगी? प्लीज भाई। देखो महविश, ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना बहुत अजीब होते हैं। आप लाख भी चाहें लेकिन इनके साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकते। ये सब दकियानूसी बातें हैं भाई, वरना आजकल के जमाने में तो जितना धोखा और फरेब आपके अपने करते हैं यू कांट इमेजिन। मुझे तो हैरत है आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। ऐसी दुनिया में हो, मुझे अपने रिश्तों पे और मोहब्बत पे पूरा यकीन है। गलत सोच रहे हैं आप, हाँ भूल गए आपकी वो दोस्त जिसे आप पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। एक्चुअली मॉम नहीं चाहती थी कि आपकी उससे शादी हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, हर माँ की तरह मम्मी को ये चीज बुरी लगी थी कि मैंने लड़की खुद से पसंद की। बाद में तो वो चली भी गई थी तो मेरी बैड लक थी कि कुछ हो नहीं सका। भाई आप कितने सादा हैं, आप मॉम की गेम समझ ही नहीं सके। ऐसी बात नहीं है महवेश। ऐसी ही बात है, आपको नहीं पता भाई, मॉम नहीं चाहती कि आपकी शादी आपकी पसंद की लड़की से हो, वो तो ये चाहती है कि ऐसी लड़की घर में लाए जो उनके इशारों पे नाच सके। आप भूल गए उस उरूज को? क्या बातें लेके बैठ गई हो, उठो हम अच्छा सा डिनर करते हैं चल के, वहाँ बैठ के बातें भी कर लेंगे।
मुझे नहीं जाना। महवेश उठो। भाई महवेश मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी उठो। मैं वेट कर रहा हूँ नीचे, ज्यादा वेट मत करवाना, जल्दी आ जाओ। आप अपनी इस बेहया बेटी के साथ मिलकर इसे घर से भगा रही थी? क्या करना चाहती हैं आप हमारे साथ? आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इसके हवाले कर दी? ऐसी भी मांएं होती हैं इस दुनिया में? जी वकील साहब, मैंने आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सब मेल कर दिए हैं, आप प्लीज चेक करके मुझे बता दीजिएगा। और हाँ, वो डिटेल में बात आपसे हो जाएगी जब मैं कल आपके ऑफिस चक्कर लगाऊंगा। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। क्या कह रहे थे वकील साहब? अरे वकील साहब ने क्या कहना है, फौजिया बेगम यहाँ पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है, पैसा। पहले वकील साहब कह रहे थे कि एक महीना लग जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार होने में, फिर जैसे ही मैंने उन्हें पैसों की ऑफर की तो कहते हैं अच्छा मैं कोशिश करता हूँ एक हफ्ते में आपके पेपर्स बनवा। वैसे मामू जान अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे? अरे नहीं, मेरा मतलब इस टाइम में तो इस्मत आंटी पूरी कोशिश लड़ाएंगी उनको प्रेशराइज करने की। अरे नहीं फौजिया, जहां तक मैं अब्बा को जानता हूँ, अब्बा वादा करके मुकरने वाले लोगों में से नहीं। फिर अब्बा शहरों से प्यार भी बहुत करते हैं, एक ही तो कमजोरी है अब्बा की। आप वैसे भी कल वकील साहब की तरफ ही जा रहे हैं ना, तो उनसे कह दीजिएगा कि कागजात थोड़ी जल्दी बनाने की कोशिश कर लें वो। इससे जल्द और क्या बन सकते हैं फौजिया। खैर मैं फिर भी कह दूंगा वकील साहब से। वैसे आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? कुछ नहीं, अभी फैक्ट्री के मैटर्स से कुछ निकल आए, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। सुनिए, आज नवीद भाई का फोन आया था, कह रहे थे कि नया पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। आप उनसे बात क्यों नहीं कर लेते, हम उनके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। हाँ लेट्स सी, देखते हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सोचते हैं इस बारे में। हाँ हमने कौन सा यहाँ रहना है हमेशा के लिए, मुझे तो कनाडा जाना है बस। हाँ हाँ बाबा चली जाना कनाडा, स्ट्रेस मत लो इन चीजों की। ओके नहीं समझा, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं। अभी भी इमरान तुम ये कहोगे? देखो इमरान, मैं पहले तुम्हारी हर बात मानती थी, तुम मेरी खुशी के लिए इतनी सी बात नहीं मानोगे। समझा प्लीज। मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें यहाँ रहने का क्या शौक है, इस घर में कौन है जो तुम्हारी फिक्र करता है, बोलो। चलो ठीक है, हम मुफ्त के वहां पे नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ अरसे के लिए तो जा सकते हैं। जब तुम यहाँ पे नहीं होगे ना तो फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हें मिस करेंगे। बच्चों वाली बातें मत करो, मेरी जॉब है यहाँ। अब क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? एक और बात है जिसकी वजह से मैं यहाँ नहीं रह सकती। चलो वो भी बता दो। मेरी फौजिया भाभी से लड़ाई हो गई थी सुबह। अजीब औरत है, ऐसी ऐसी बातें करती है कि इंसान का खून खोलने लगता है। इमरान मैं मजीद और यहाँ पे नहीं रुक सकती, अगर तुम नहीं भी जाओगे ना मैं फिर भी जाऊंगी। इमरान तुम्हें छोड़कर जाते हुए मुझे दुख होगा, लेकिन मैं अपनी और तुम्हारी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने अब मुझे एक नई मुसीबत में फंसा दिया, बताओ मैं क्या करूंगा? ड्रामे करने के अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हें? ड्रामे? मैं ड्रामे करती हूँ तो और ये सब क्या है? ये लो तुम ऑर्डर करो। इस्मत आंटी एक मिनट जरा मेरी बात सुन ले प्लीज, बहुत अच्छी खबर है मेरे पास आपके लिए।
अच्छी खबर मेरे लिए? ऑफ कोर्स, कशफ का रिश्ता आया है। आया क्या, जबरदस्ती लाया जा रहा है। अब देखे ना, उसकी असलियत जानकर कौन उसे शादी करेगा। मेरी एक दूर की आंटी है, उनके एक अजीज हैं, पहली बीवी फौत हो चुकी है, अकेले रहते हैं। अच्छा, कौन लोग हैं, मतलब है, लड़का क्या करता है, उम्र कितनी? अरे वाह, आप तो ऐसे तहकीक कर रही हैं जैसे आपकी बेटी। खैर, अपना घर है आंटी उनका, एक पोर्शन में वो रहते हैं, दूसरा पोर्शन किराए पे दिया है। बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं किराए के, जिससे घर चलता है। दरअसल साबिर भाई का ना, वो 2-3 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनका टांग का कुछ मसला हो गया और जॉब छोड़नी पड़ी। टांग में मसला हो गया? किसका मसला हो गया भाई, क्या मसला हो गया, कुछ हमें बताइए। मामू जान, आप हमेशा अच्छे मौके पे आते हैं। आंटी कितने अरसे से मेरी मिन्नतें कर रही थी कि मैं कशफ के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढूं। एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया है। और मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बातें भी करनी। चले चले चले। हाँ हाँ, मैंने पहचान लिया, आप माहिम की कजन है ना समरा? आई थिंक हम 5-6 माह पहले मिले। हाँ, I remember, हम उसकी बर्थडे पे मिले थे। अब तो सुना वो जर्मनी चली गई है ना, कैसी है अब वो? बिल्कुल ठीक है, अक्सर मेरी उससे स्काइप पे बात होती रहती है, उसके तो सेमेस्टर भी रहते हैं। हाँ, मेरी भी कोई 1 महीना पहले ही बात हुई थी उससे। अच्छा, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? ये मेरे भाई है एसएन, और एसएन भाई समरा। नाइस टू मीट यू समरा। मुझे भी आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं आप लोगों को ज्वाइन जरूर करती हूँ, मेरे हस्बैंड साथ हैं। हाँ, फिर मिलेंगे। श्योर श्योर। तो फिर मामू, क्या ख्याल है आपका? ठीक है भाई, आइडिया तो बुरा नहीं है। हाँ, अब जरूरत भी है। हमारे कमरे में शहरोज का सामान इतना फैला हुआ होता है कि चलने की जगह भी नहीं होती है, और फिर अगर कोई गेस्ट आ जाए तो हमारे घर में कोई गेस्ट रूम तो है नहीं कि उसे वहां ठहराए। मैं सोच रही थी कि क्यों ना कुछ रंग वंग करा लूं, पर कम से कम जगह रहने के काबिल तो हो ना। ठीक है, तुम लोग देख लो, जो करना है कर लो। जल्दी से मैं चाबियां लेकर आती हूं। चाबियां कहाँ रखी है मैंने? कहाँ रखी है मैंने चाबियां? मुझे क्या पता। अरे बेटा, चाबियां बहुत एहतियात से रखते हैं, खोना नहीं चाहिए। याद आ गई, याद आ गई, मैं भी लेके आती हूँ। कशफ, कशफ, कहाँ है वो चाबियां जो मैंने तुम्हें दी थी? चाबियां? कौन सी चाबियां भाभी? क्या मतलब कौन सी चाबियां? दिमाग तो नहीं फिर क्या तुम्हारा पूरी तरह से? जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे उसके 2-3 दिन बाद ही मैंने तुम्हें कुछ चाबियां दी थी ऊपर वाले पोर्शन की, और ये कहा था इन्हें संभाल के रखना, कोई शिफ्ट होगा ना ऊपर तो काम आएगी। कहाँ है वो? नहीं तो भाभी, मुझे तो आपने ऐसी कोई चाबियां नहीं दी। तो क्या झूठ बोल रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ मैं फिर? नहीं भाभी, अगर मुझे चाबियां दी होती तो मैं कैसे भूलती? मुझे कोई चाबियां नहीं दी। तुम्हें अपनी इश्क मशूकियों से फुर्सत मिलेगी ना तो तुम्हें कुछ याद रहेगा। ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। नहीं भाभी, इसमें नहीं होगा भाभी, वो इधर तो हो ही नहीं सकता। कहीं रखी होगी, तुम्हें तुम्हें याद नहीं रहता ना कुछ, पता नहीं किन ख्यालों में। ये क्या है? क्या है ये? मैंने तो कभी नहीं देखा वो। ये तुम्हारे यहाँ? मामू जान, मामू जान, एक्सक्यूज मी एसन, आप कशफ को जानते हैं ना? कशफ को कैसे जानती हैं आप? मेरा मैं कशफ की भाभी हूँ, मुझे आपका नंबर चाहिए, प्लीज जल्दी दे दें, मुझे जाना है, मैं आपकी कशिफ से बात करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू, आपको कॉल करूंगी, मेरी कॉल का इंतजार कीजिएगा। दिल जैसी बस्ती में एक ख्वाब बसेरा, क्या साथ है तेरा, जीते हैं
तेरे सुन मरते हैं तुम्ही पे, क्या प्यार है तेरा। देख रहे हैं ना ये जेवर इस्मत आंटी का ही है ना? हाँ मैंने खुद। हाँ, मामू जान ये फिर से हमें जलील करने का रास्ता बना रही है, और ये फिर से घर से भागने का प्लान बना रही है। ये जेवर और पैसे अलग से साइड पे रखे हुए थे हमारे। कशफ अबू नहीं, ये मैं देखा कितना झूठ बोल रही है। पकड़ी गई ना, जिस तरह इसकी जबान हकला रही है ना आज, वो भी इसका साथ नहीं दे रही, जिसे चुपके से ना हम पे वार करने वाली थी ये। कशव बताओ कहां भागने का प्रोग्राम था तुम्हारा, ये रुपया पैसा लेके? अबू कसम ले ले, मैं ऐसा कुछ नहीं करी थी, ये तुम जी, ये पैसे और जेवर मैंने खुद इसको दिया था। अच्छा तो ये तुम्हारा प्लान था इस्मत बेगम, ये रुपया पैसा देके इसको घर से निकालने का, ताकि एक बार फिर से ही हमारी इज्जत को रौन डाले। नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने तो ये जेवर। हाँ, आपने ये जेवर खुद ही निकाले थे है ना? तो वाह, अल्लाह माफ करे, मतलब अपनी बेटी का झूठ छुपाने के लिए आप ये सब कर रही हैं इस उम्र में? आप तो समझदार हैं आंटी, मतलब अपनी खावत की भी गुनहगार है, खुदा की भी, खुदा को कोई खौफ नहीं है आपको? तो ये औरत समझदार होती तो रोना ही किस बात का था। इसी की गलत तरबियत है जिसने इस बेशरम लड़की को खराब किया। मामू जान मैं तो कहती हूँ आज इस किस्से को यही इसी वक्त खत्म कर दे, भेज दे इसे जिसके साथ जाना चाहती है ये। बताओ कौन है वो बेहाया जिसके साथ तुम घर से भागना चाह रही थी? रात को फरार होने का प्रोग्राम था ना, मुझे बताओ कौन है, मैं तुम्हें उससे चलता कर देता हूं आज रात ही। बोलो क्या नाम है उस बेगैरत का? आप किससे मिलने? यार एसएन साहब से मिलना है, प्लीज उनको बुला। एसएन साहब और छोटी मैम साहब तो बाहर गए हैं। अच्छा मैडम हेना होंगी, उनको बुला दो यार, बड़ी मेहरबानी। नहीं वो मैम साहब तो मुल्क से बाहर गई हुई। शाम में ये लाउंज में छुपके छुपके किसी से बात कर रही थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और इससे पूछने पर ये मुकर गई। अब्बा वही बेहूदगी, वही ड्रामा, वही पुराना किस्सा दोबारा होने जा रहा है। अब्बा देख रहे हैं ना आप, इंशाल्लाह अल्लाह करता कि मेरी कोई बहन ही नहीं होती, या फिर पैदा होती मर गई होती है। मैंने तो कहा था मार डालो इसे, गला घोंट दो इसका, घर से निकाल भी दिया था मैंने, लेकिन वो इमरान। और अम्मा अफसोस तो मुझे आप पर हो रहा है कि आप अपनी इस बेहया बेटी के साथ मिलकर इसे घर से भगा रही थी। क्या करना चाहती हैं आप हमारे साथ? आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इसके हवाले कर दी, ऐसी भी माएं होती हैं इस दुनिया में? बस कर दो हमें, बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। बस तो आप कर दें अम्मा, माफ कर दें हमें, मेरा तो दिल कर रहा है कि जमीन फट जाए और मैं इसमें धस जाऊं। क्यों, आप क्यों धसेंगे जमीन में? ये बेशरम, ये क्यों ना जिंदा दरगोर हो? अगर अपनी इज्जत बचानी है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी कोई बेटी नहीं है। अगर अल्लाह ने ऐसी बेटी देनी होती तो, बल्कि ऐसी बेटी देने से तो बेहतर है कि इंसान पे औलाद ही अच्छा है। तो तुम आसानी से नहीं बताओगी कि तुम्हारा किसके साथ जाने का प्रोग्राम था? मत पूछे इसे मामू जान, मत पूछे, कुछ ही देर में ये सारा मामला खुद ही खुल जाएगा। आज रात ही इसे भागने का प्लान बनाया होगा, जो कोई भी होगा थोड़ी देर बाद से रابطہ जरूर करेगा। ये अगर अपने मुंह से कुछ नहीं बताती ना, आप बस मामू जान थोड़ी देर इंतजार और कर ले। बस करें आप लोग, खुदा के लिए बस करें।
मेरी मासूम बच्ची पर बोहतान ना बांधे, जरा भी खुदा के गजब से नहीं डरते आप लोग? उसमें तुम भी कान खोल के सुन लो, इसे तो मैं आज रात उसके साथ चलता करूंगा ही, तुम्हें भी 3 तलाकें देके अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करूंगा, समझी? If you enjoyed this video, if you like this video, if you've seen this video, if you enjoyed watching this video, if you like this video, please please to like, comment, share, subscribe to Drama Central.